शाहजेब का कातिल शाहरुख जतोई जिस निजी अस्पताल में जेरे इलाज था वहां रात गए गाड़ियों का आना जाना रहता था। गली के चौकीदार और करीबी दुकान के मालिक से जब समा ने बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने आए बगैर बताया कि अस्पताल में रात गए लैंड क्रूजर्स और बड़ी गाड़ियों में लोग आते जाते थे, जिससे लगता था कि यहाँ कोई हाई प्रोफाइल शख्स है। वीगो गाड़ी भी, लैंड क्रूजर गाड़ी भी, ये गाड़ियाँ यहाँ क्या काम है? अगर शायद ऑनर वगैरह आए होंगे हॉस्पिटल के, इतनी डिटेल मैंने ली नहीं है। फिर गाड़ी आई है वहाँ से, यू टर्न लिया, फिर यहाँ आके खड़ी हो गई गाड़ी, तो काफ़ी देर खड़ी रही है, लोग गए हैं आए हैं। सही, लेट नाइट 1 बजे के बाद। अच्छा अच्छा, क्योंकि रात में तुम्हारे यहाँ काम ही नहीं है ना, 12 बजे 10 बजे सब बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतना है कि वो आता थे। हाँ आते थे गाड़ियाँ, तो भाई बड़ी गाड़ियों का काम क्या है यहाँ पर, ना यहाँ पे पार्किंग है ना कुछ है। बड़ी बड़ी गाड़ी भी आ रहे हैं, गुजर भी आ रहे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे उसे टेंट आ जाता है गाड़ी। क्योंकि आपको शक पड़ गया था क्योंकि हाई प्रोफाइल यार, लोगों ने मेरे पूछे कौन है, बोलते कोई बड़ा बीमार होएगा, कोई बड़ा आदमी होएगा, इस खातर आते जाते वक्त है। ठीक है, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी कि एक गली के चौकीदार और करीबी दुकान के मालिक से जब समा ने बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने आए बगैर ये बताया कि बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां पर आती हैं। तो क्या सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल शाहरुख जतोई की बीमारी से लाइल्म थे? इस बारे में सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल ने 8 जून 2021 को डायरेक्टर कमरुल इस्लाम अस्पताल को लेटर लिखकर मुजरिम की सेहत और इलाज की मुद्दत से मुतालिक मालूम तलब की थी। इस बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुदस्सर नज़ीर हमारे साथ हैं। मुदस्सर बताइए कि बेव्यू अस्पताल में शाहरुख जतोई कब एडमिट रहे और कब से एडमिट रहे? हाँ जी बिल्कुल, ये अब तक की मालूमात में जो अहम बात सामने आई है इससे मालूम होता है कि शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम अस्पताल से पहले भी एक प्राइवेट अस्पताल बेव्यू इन मदर केयर सेंटर में जेर इलाज थे। इसे 5 मई 2021 को कमरुल इस्लाम अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सीनियर सुप्रिटेंडेंट जेल ने 8 जून 2021 को डायरेक्टर कमरुल इस्लाम अस्पताल को एक लेटर लिखा। सीनियर सुप्रिटेंडेंट जेल ने लेटर में इलाज की मुद्दत और सेहत से मुतालिक मालूमात तलब की। सीनियर सुप्रिटेंडेंट जो जेल की जानिब से लिखे गए लेटर का नंबर जो है वो DIGP/K/JB/1307 है और सीनियर सुप्रिटेंडेंट जेल ने लेटर की कॉपी DIG जेल खाना जात को भी अरसाल की है। इस लेटर में सबसे अहम बात जो सामने आई है इसके मुताबिक शाहरुख जतोई कमरुल इस्लाम जो अस्पताल से पहले भी प्राइवेट अस्पताल बेव्यू इन मदर केयर सेंटर में जेरे इलाज रह चुके हैं और हमारी जो कमरुल इस्लाम के सरबराह हैं उनसे भी बात हुई, तो हमने उनसे पूछा कि उन्हें कौन सा मर्ज लाग था। उन्होंने बस इतना बताया कि सिर्फ कमर का दर्द था उन्हें और जिसके लिए उनके पास एक माहिर डॉक्टर की टीम मौजूद थी और वो इनका इलाज कर रहे थे, जबकि ये एक रिनाउंड हॉस्पिटल नहीं है। ये बड़ी परेशान कुन बात है कि इतने बड़े हॉस्पिटल जो शहर में मौजूद हैं वहाँ से इनको इधर ही क्यों शिफ्ट किया गया, और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस हो चुकी है कि वो यहाँ पर इलाज की गर्ज से नहीं थे मौजूद, वो सिर्फ यहाँ पर आज़ादी चाहते थे और ऊपर वाले पोर्शन में वो रिहाइश पजीर थे। बिल्कुल, एक के बाद एक गुत्थी सुलझती जा रही है। इससे पहले हमें अहमद रहमान खान बता रहे थे कि शाहरुख जतोई इलाज की गर्ज से नहीं बल्कि अमले की गर्ज से इस हॉस्पिटल में एडमिटेड था, और अब ये सवाल भी सामने आ गया कि क्या सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल शाहरुख जतोई की बीमारी से लाइल थे। इस बारे में सीनियर सुपरिटेंडेंट जेल ने 8 जून 2021 को डायरेक्टर कमरुल इस्लाम अस्पताल को लेटर लिखकर मुजरिम की सेहत और इलाज की मुद्दत से मुतालिक मालूमात तलब की थी। तो इस तमाम तर सूरत हाल से मुदस्सर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।